सो वेलकम बैक टू माई चैनल। राम राम दोस्तों, बज रहे मॉर्निंग के 10:30 और मैं निकल चुका हूँ क्लास के लिए। कल का डे काफ़ी मज़ेदार था। कल मैं लाइब्रेरी गया, क्योंकि कल गया था मॉर्निंग में गया था, न्यूज़ रीड किया था, लेकिन शाम में नहीं गया क्योंकि थोड़े बहुत काम थे और प्लस ब्लॉगिंग करने के जो वीडियो थी वो सब एडिट करनी थी, वो सब नहीं किया था। सो वो सब कर लिया था रात में और फिर मॉर्निंग में उठ के किया थोड़ा बहुत, ताकि समय पर आ जाए और फिर क्लासेस वगैरह जाना रहता है। सो अब मैं निकल चुका हूँ बस स्टैंड के लिए, चलते हैं क्लास। और दो तीन वीडियोस आ चुकी, दो ब्लॉग आ चुके हैं, एक 8 बजे आया था और एक 11 बजे आ जाएगा। सो देखो और अपने रिव्यूज़ दो, क्योंकि कल जो मूवी दिखाई गई थी शोधक, काफ़ी अच्छी मूवी थी, इंस्पायरिंग मूवी है। सो देखना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई देखो, जाओ और कुछ सीखो और पता चलेगा कि हाँ भाई, हमारे पास्ट में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, या हाँ फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जितने भी हमारे लिए जो किए हैं, जैसे मेनली था वो ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के बायोपिक बोल सकते हैं, हाँ वन काइंड ऑफ बायोपिक। सो देखो और इन्जॉय करो और अवेयरनेस रहना चाहिए अपने सब में। चुका हूँ बस स्टैंड, पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड, बैठते हैं क्योंकि 2 बस मिस हो चुकी है अब तक। मेरा वॉलेट में घर छूट गया था, दीदी देने आई थी। सो अब वेट करते हैं नेक्स्ट बस की, फिर चलेंगे चंद्रपुर। वेट करते करते मुझे लग गए 10-15 मिनट, फिर बस आई। अब चलते हैं क्लास के लिए। 2 hours later कॉलेज की छुट्टी हो गई थी, सो पीयूष गया था चंद्रपुर। सो वो आते आते मुझे उठा लिया और फिर मैं आ गया हूँ अभी खंडेलवाल एजेंसी। यहाँ से लेते हैं हैंड बिशिंग के लिए सेट और निकलते हैं फिर घर के लिए। पीयूष आता ही है, वो गया गाड़ी कुछ काम से नीचे, मतलब बाहर गया है, आ रहा होगा। तब तक मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ मेरे लिए कौन सा हैंड वेशिंग लेनी है। चलते हैं खंडेलवाल एजेंसी गया, वहाँ तो मिला नहीं सिंक बराबर, सिंक माने हैंड वेशिंग का पार्ट। सो अब चलते हैं बालाजी कॉम्प्लेक्स और वहाँ देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो लेते हैं। सो मैं बेसिंग लेने आया था, तो ये वाली बेसिंग थी जिसमें होल नहीं था, और जो होल वाला था वो कुछ ज़्यादा ही बजट का था, तो मेरे बजट का ये बटा। सो इसे कम से कम आधे घंटे से मैं होल कर रहा हूँ। सो अब इसमें होल हुआ है, सो और करते हैं होल और फिर इसको फिक्स करते हैं। समय भी हो रहा है, पथक में भी जाना है। सो मेहनत सफल रही, रंग लाई मेहनत। सो और फिट करते हैं इसे। बेसिंग लगाने का काम किया थोड़ी देर के लिए, ड्रॉप थोड़ी देर के लिए आप कल ही करेंगे, क्योंकि ड्रिल मशीन का वांदा आ गया था, उसमें होल करते करते ही समय हो गया मेरे को, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट लग गया उसी को होल करते करते। सो ठोक ठोक के मतलब बारीकी से करना था, सो करते करते समय लग गया। फिर मेहमान आएगा घर से, गांव से घर में, सो उसमें समय लग गया, तो फिर काम ड्रॉप कर दिया। अब कल करते हैं काम, अभी निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट सेशन होता है जो, क्योंकि आज सैटरडे, सो आई डोंट वांट टू मिस दैट। लेट्स गो लाइब्रेरी, बिकॉज पीयूष इज़ ऑलरेडी देयर। मैं भी निकलता हूँ क्योंकि पीयूष शीशी की बाइक मेरे पास है, तो उसे वो बाइक देनी पड़ेगी ना वापस। तो चलते हैं। तो बज रहे हैं रात के 9:30, इट्स 9:35। सो अभी निकल चुका हूँ लाइब्रेरी से, पीयूष ने मुझे अपने घर तक छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ घर पैदल, क्योंकि बाइक दे रही थी शीशिर को, वो दे दिया उसको, बोला था आने के लिए, लेकिन फिर मैं बोला उसको कॉल नहीं किया आते होगा, क्योंकि मैं बोला वो भी रेस्ट करेगा क्योंकि कल उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। सो अब चलते हैं घर और करते हैं भोजनासन, करते हैं डिनर और फिर देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। सो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं न्यू डे विद न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।